हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको व्हील डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं वो बताने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बताता हूं व्हील डिफेक्ट। सबसे पहला जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा सार फ्लैंज। सार फ्लैंज यहां पर मैं स्टैंडर्ड या न्यू डायमेंशन जो है न्यू ऑब्लिक स्टैंडर्ड जो इनकी वैल्यू रहती है कितनी होनी चाहिए और यहां पर कंडेम लिमिट कितनी है सार फ्लैंज के लिए वो बताता हूं। गेज को अभी हम लगाकर देख लेंगे। देखिए, स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो सार फ्लैंज के लिए 14.5 mm है और कंडेम लिमिट है वो 5 mm और लेस, यानी 5 mm या उससे कम हो जाए। ठीक है, नंबर दो जो हमारा डिफेक्ट है वो हो गया हमारा लेस रूट रेडियस। अभी तो आप इनकी वैल्यू देख लीजिए, बाकी फिर मैं बताता हूं ये डिफेक्ट कैसे कहां पर होंगे और कैसे होंगे। लेस रूट रेडियस इसकी जो वैल्यू है वो 14 mm वॉन व्हील प्रोफाइल के लिए और 16 mm जो होता है वो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड प्रोफाइल के लिए जो है, और अगर इसकी कंडेम लिमिट 13 mm या फिर उससे लेस, उससे कम हो जाए तो हमारा लेस रूट रेडियस हो जाएगा। तीसरा डिफेक्ट जो है हमारा वो थिन टायर हो गया। थिन टायर कब होगा? थिन टायर की जो हमारी थिन टायर के लिए जो हमारा 63.5 mm जो इसकी थिकनेस है उससे अगर ये घटकर हमारा 28 mm या फिर उससे कम हो जाए तो हमारा थिन टायर हो जाएगा। नंबर चौथा जो हमारा डिफेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा थिन फ्लैंज। थिन फ्लैंज कब होगा? फ्लैंज की जो थिकनेस है वो 28.5 होती है, 28.5 mm ये हमारी WWP के लिए है, और जो स्टैंडर्ड जो हमारा प्रोफाइल थी उसके लिए 29.4 थी। तो अब ये जो स्टैंड अगर हमारा WWP प्रोफाइल है तो इसके लिए 28.5 से 22 mm या उससे कम हो जाए तो ये हो जाएगा कोचिंग के लिए, और वैगन में अगर है तो वैगन के लिए हो जाएगा 16 mm या फिर उससे कम। ये हो गया हमारा वैगन के लिए या गुड्स के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए था? कोचिंग में 22 mm हमारा कोचिंग में है और 16 mm हमारा वैगन के लिए। नंबर पांच में जो हमारा डिफेक्ट है वो हमारा डीप फ्लैंज। डीप फ्लैंज कब होगा? तो इसके लिए जो फ्लैंज की हाइट है वो हो गया हमारा 28.5 mm, और अगर ये रिड्यूस होके हमारी फ्लैंज की जो डेप्थ है वो हमारी बढ़ जाएगी, रिड्यूस नहीं होगी, 28.5 से ये 35 mm या फिर उससे ज्यादा हो जाए तो हमारा डीप फ्लैंज हो जाएगा। नंबर छह जो है वो हमारा हॉलो टायर। तो इसके लिए स्टैंडर्ड कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारी प्रोफाइल है वही रहेगी, और 5 mm कंडेमिंग जो है 5 mm या फिर उससे ज्यादा का अगर ग्रूव हमारा डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, तो हमारा हॉलो टायर हो जाएगा। नंबर सात में जो हमारा डिफेक्ट है वो है फ्लैट टायर। फ्लैट टायर क्या है? जो टायर की हमारा व्हील थ्रेड है उसकी जो प्रोफाइल पे अगर हमारा 50 mm फ्लैटनेस मिलती है तो ये हमारा कोच के लिए कंडेमिंग लिमिट है, और 60 mm जो हमारी फ्लैटनेस है वो वैगन की कंडेमिंग लिमिट है। ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड और कंडेमिंग लिमिट आपको बता दी। अब हम ये देख लेते हैं कि इन डिफेक्ट के होने से क्या क्या हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सार फ्लैंज था, तो सार फ्लैंज के कारण से क्या क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। व्हील टेक रॉन्ग रूट, एट फेसिंग पॉइंट पॉइंट क्या होता है? पॉइंट लाइन चेंज करने के काम आता है। तो पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट। जो फेसिंग पॉइंट है वहां पर जो व्हील है वो रॉन्ग रूट ले लेगा, यानी अगर हमें लाइन नंबर 1 पे भेजना था तो लाइन नंबर 2 पे हमारा व्हील
ट्रैवल कर जाएगा, किसकी वजह से, सार फ्लाइंस की वजह से। बोरोन डैमेज स्विच रेल को डैमेज कर सकता है सार फ्लाइंस अगर होगा। तीसरा क्या है, सियरिंग ऑफ फिश प्लेट एंड फिश प्लेट बोल्ट एट रेल ज्वाइंट। तो फिश प्लेट क्या होती है, ये दो रेल हैं, इन दोनों रेल को आपस में ज्वाइन करने के लिए एक प्लेट लगाई जाती है जिसे हम फिश प्लेट कहते हैं। ये प्लेट इस तरह से लगी होती है और प्लेट के ये बोल्ट लगे होते हैं, इन बोल्ट को फिश प्लेट बोल्ट कह देंगे। तो अगर हमारा जो व्हील में सार फ्लैंज होगा तो वो इस फिश प्लेट को सियर कर सकता है, यानी इसको काट सकता है, इसके बोल्ट्स को काट सकता है। ये रेल ज्वाइंट हो गया, ये हमारे सार फ्लैंज से जो जो चीजें हो सकती हैं वो है। नंबर दो जो हमारा था वो था लेस रूट रेडियस। तो लेस रूट रेडियस से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव लेटरल प्ले हो जाएगा, एक्सेसिव लेटरल प्ले के कारण फ्लैंज रेल के ऊपर चढ़ सकता है। ड्यू टू एक्सेसिव लेटरल प्ले द फ्लैंज माउंटिंग ऑन द रेल, ठीक है, ये हमारा लेस रूट रेडियस। थर्ड जो हमारा डिफेक्ट था वो था हमारा थिन टायर। तो थिन टायर में क्या होगा कि जो टायर की थिकनेस है वो कम हो जाती है, तो इस वजह से जो हमारा है टायर ब्रेक हो सकता है, ब्रेकेज ऑफ टायर एंड लो वॉफर हाइट, ये हमारे डिफेक्ट जो है वो इन व्हील डिफेक्ट के कारण से जनरेट हो सकते हैं या रिपरकशन जो हमारे हैं इनके इफेक्ट्स हैं। नंबर चौथा जो हमारा था वो था थिन फ्लैंज। थिन फ्लैंज के कारण से क्या हो सकता है, ब्रेकेज ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज हमारा पतला हो जाएगा तो उससे फ्लैंज टूट सकता है ऑन कर्व, फ्लैंज टूट सकता है। सेकंड, ऑन कर्व पॉइंट को तोड़ सकता है। कैसे, जो थिन फ्लैंज है वो टंग रेल और टंग रेल एंड स्टॉक रेल के बीच में फ्लैंज फंस सकता है। और अगर हमारा फ्लैंज थिन होगा तो टंग रेल और स्टॉक रेल जो है, टंग रेल बहुत ही इस तरह से होती है, मैं आपको उसका थोड़ा सा एक शेप दिखा देता हूं, ये हमारी टंग रेल है और इसके साथ हमारी एक रेल होती है, तो टंग रेल पतली होती है जो पॉइंट्स वगैरह पे यूज की जाती है, तो उसको ये तोड़ सकता है, पॉइंट तोड़ सकता है। नंबर पांचवा जो हमारा डिफेक्ट था वो था डीप फ्लैंज। तो डीप फ्लैंज से क्या होगा, फिश प्लेट बोल्ट, चेक बोल्ट को तोड़ सकता है। और कॉज ऑफ डिरेलमेंट, मेनली एट चेक रेल एट लेवल क्रॉसिंग, ये हमारा डीप फ्लैंज है। जो चेक रेल होती है लेवल क्रॉसिंग पर, वहां पर ये डिरेलमेंट का कॉज हो सकता है। नंबर छठवां जो हमारा डिफेक्ट था वो था हॉलो टायर। तो हॉलो टायर से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगी हॉलो टायर से, मैंने बताया था कि इसमें ग्रूव जनरेट हो जाता है, तो सब उससे क्या होगा, प्रोफाइल डिस्टर्ब, और प्रोफाइल अगर डिस्टर्ब हो गई तो इससे क्या होगा,
कर्व नेगोशिएशन में प्रॉब्लम होगी, कर्व नेगोशिएशन प्रॉब्लम। मोर लेटरल प्लेन, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जो लेटरल प्ले है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, कॉज रफ राइडिंग, जो हमारी राइडिंग है वो रफ हो जाएगी, ये हमारे हॉलो टायर्स हो जाएगा। नंबर जो आखिरी हमारा डिफेक्ट था वो था हमारा फ्लैट टायर, तो फ्लैट टायर से क्या होगा, हैमरिंग इफेक्ट के कारण रेल फ्रैक्चर हो सकता है, यानी जो रेल है वो हमारी टूट सकती है। ये मैंने आपको व्हील डिफेक्ट्स के कारण से क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो बताई। इसको अब हम और समझने के लिए व्हील की प्रोफाइल को समझेंगे, जिससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक रफ स्केच है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। इससे ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए ये सार फ्लैंज जो मैंने आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी 14.5 mm, यहां पर इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, और कंडमिंग लिमिट सार फ्लैंज के लिए मैंने आपको बताई थी 5 mm या उससे कम यहां पर, ठीक है। लेस रूट रेडियस यहां पर है हमें, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमारी 16 R है, जिसे हम 16 mm कह सकते हैं, और WWP के लिए हमारी 14 mm बताई है मैंने आपको, देख लीजिए वीडियो ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी जो कंडम होके ये हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 13 mm, ठीक है। अच्छा, फ्लैंज की मैंने डेप्थ आपको बताई है, तो फ्लैंज की डेप्थ कहां से देखनी है आपको, यहां से टिप ऑफ द फ्लैंज से 13 mm नीचे, 13 mm नीचे, सॉरी फ्लैंज की डेप्थ नहीं, फ्लैंज की थिकनेस 13 mm नीचे आएंगे, तो यहां पर आपको फ्लैंज की थिकनेस समझ में आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 28.5 WWP प्रोफाइल के लिए, और 29.4 है वो स्टैंडर्ड के लिए है, ये इसके लिए हो गई। और फ्लैंज की जो डेप्थ है वो हमारी 28.5, ये हमारी फ्लैंज की डेप्थ हो जाएगी 28.5। ये डेप्थ अगर हमारी बढ़ के 28.5 से 35 mm हो जाएगी तो हमारा डिफेक्ट हो जाएगा डीप फ्लैंज का। ये 28.5 से अगर हमारी ये थिकनेस है ये रिड्यूस होके 22 mm कोचिंग में और 16 mm वैगन में अगर रिड्यूस होती जाती है, तो देखिए यहां पर एक डिफेक्ट इसके कारण से, फ्लैंज की थिकनेस के कारण से थिन टायर डेवलप्ड होगा हमारा, और यहां से लेस रूट रेडियस, इस वजह से लेस रूट रेडियस हो जाएगा, यहां साफ फ्लैंज हो जाएगा। हॉलो टायर के लिए, हॉलो टायर के लिए यहां पर ये जो प्रोफाइल है यहां पर 5 mm का हमारा ग्रूव, 5 mm या उससे ज्यादा का गहरा गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर 5 mm का हमारा ग्रुप मिल जाता है तो हमारा हॉलो टायर हो जाएगा, हॉलो टायर यहां पे हो जाएगा। फ्लैटनेस के लिए हम गेज को अभी लगा के देख लेंगे तो वो फ्लैटनेस हो जाएगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और फ्लैटनेस हो गया 5, 6 और एक होती है इसकी थिन टायर, वो गेज लगा के आपको समझ में आ जाएगा कि गेज लगाएंगे तो सभी डिफेक्ट हमारे यहां पे हो गए। ये सार फ्लैंज के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, सार फ्लैंज के लिए ये हो जाएगा लेस रूट रेडियस के लिए, ये हो जाएगा हमारा हॉलो टायर के लिए, यहां पर ये जो इसकी फ्लैंज की थिकनेस है तो ये हो जाएगा थिन फ्लैंज के लिए, ये इसकी डेप्थ है तो ये हो जाएगा डीप फ्लैंज के लिए, डीप फ्लैंज के लिए 28.5 से 35 mm। तो मैंने आपको प्रोफाइल में ये सारे डिफेक्ट लगभग आपको बता दिए हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 डिफेक्ट आपको यहां दिख रहे हैं, हॉलो एक फ्लैट टायर नहीं दिख रहा है और थिन टायर नहीं दिख रहा है, तो वो आप गेज का एक वीडियो है, उस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।